नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल विष्णु, आप सभी का यात्रा गुरु जी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए आपको? 30 साल हो गया। क्या मजदूरी क्या रिक्शा चलाते हो क्या? नहीं, मिस्त्री काम करते हैं, साइकिल मिस्त्री का। 23 साल के। शादी हो गई? शादी नहीं हुई। इससे तो है नहीं, रोजगार है नहीं, फिर भी बच्चे चार पाँच, ये तो कम से कम अपने हाथ में है, कंट्रोल करने चाहिए। सही बोला नहीं बोला दादी जी? सही बोला ना? ये क्या बना रहे हो आप? शॉल बना रहे हो? शॉल बनाओगे? शॉल मतलब इतनी बड़ी शॉल? ये प्यार पट्टी है ये? अच्छा, ये मतलब दादी जी शॉल की पट्टी बना रहे हैं, इसे हाथ से बनाते है ना? तो ये फिर बिकती है कि आप घर के लिए बना रहे हो? अच्छा, खुद के लिए? अच्छा, हमारे परिवार में नहीं बनाते ऐसे, हम तो दुकानों से खरीद लेते हैं। तो दुकान से तो सभी खरीदते हैं, अपने घर में भी तो कोई नहीं, वाटर ताले सब बनाते ही हैं। नहीं, हमारे घर में ऐसे काम जानते ही नहीं है माता जी। हम राजस्थान से। आप कहाँ से? मुरादाबाद। मुरादाबाद यूपी। राजस्थान से? तुम राजस्थान से? हाँ। तो हमारी क्या आवाज है, भर रहा हूँ क्या? आपकी आवाज आगे तक पहुँचानी है। कैसे पानी नाले की गंदगी है? अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? शिवानी। आपको यहाँ पर कितने साल हो गए माता जी रहते हो? शुरू से यही रह रहे हो? आपका तो शिवानी जी जन्म यही का है। कितने साल के हो आप? 23 साल के। शादी हो गई? शादी नहीं हुई। अच्छा अच्छा, तो काफी समस्याएं मैंने पीछे भी बहुत देखता आ रहा हूँ, काफी समस्याएं हैं। लेकिन माता जी, एक समस्या मैंने ये देखी है कि परिवार के अंदर खाने को पैसे तो है नहीं, रोजगार है नहीं, फिर भी बच्चे चार पाँच, ये तो कम से कम अपने हाथ में है, कंट्रोल करने चाहिए। सही बोला नहीं बोला दादी जी? सही बोला ना? भाई एक बच्चा ही नहीं पाला जाता है, उधर पाँच पाँच बच्चे कर रहे हैं, तो कंट्रोल करना चाहिए नहीं चाहिए? बेटा भी नहीं है। हाँ, तो वो बेटे के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किसी के चार लड़के, किसी के पाँच लड़के, वो कहाँ जाएंगे बताओ? तो शिवानी जी, आपकी तो शादी होनी है, इस बात का जरूर ख्याल रखे, हमारी बातों का ध्यान है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। बस ये रोड बन जाए, नाली बन जाए, और बहुत छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। एक मकान करो। अच्छा, तो दादी जी, ये जो पक्के झुग्गियां, पहले यहाँ झुग्गियां थी, ये आपने खुद अपनी मेहनत से ही बनाए हैं? हाँ। सरकार ने कुछ मेहनत? नहीं, फिर हम बना लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर छोटे छोटे, एक छोटा सा गुड़िया यहाँ पर एक खाना बना रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और छोटा सा मकान, इसी के अंदर एक सोना होता है। गुड़िया, आपका क्या नाम है बेटा? तन्नु। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में हो? आज तो संडे है। अच्छा, रेगुलर जाते हो आप स्कूल? अच्छा अच्छा, 10th में कितने परसेंटेज आपके? 10th में कितने परसेंटेज है? बताया नहीं मैम ने। 10th के? 10th के? 10वीं के? और ओपन से किया था ना? अच्छा, ओपन से किया था क्या? चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, खाना बन रहा है इधर। तो दोस्तों, एक सीन आप देखिए कि रोड है, रोड के जस्ट किनारे ही बाहर, यहाँ पर यहीं पर खाना बनाते हो? खाना बनाने गैस भी नहीं है? गैस भी नहीं है। यहाँ बाहर खाना बनाते हैं और यहीं पे बर्तन धो रहे हैं, और यहाँ पर इनके, ये आपका मकान कौन सा, ये वाला? ये इनका मकान है रहने के लिए, छोटा सा मकान है, अंदर ही यहीं पर ये रसोई स्टैंड वगैरह लगा हुआ आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से रसोई स्टैंड है, और इसी में सोना रहना सब इसी में होता है। तो आपके बच्चे कितने हैं? तीन बच्चे हैं। कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं? दो लड़कियां और एक लड़का है। दो लड़के हैं और एक लड़की है। अच्छा, ये सामने जो बैठे छोटे छोटे है ना, यही वाले? अच्छा अच्छा, तो ये भाई देख सकते हैं इस प्रकार से ये रोड के जस्ट पास में बर्तन धो के रख रहे हैं। दोस्तों, रोड के किनारे चलते चलते हमें गौ माता मिली है, जिसके यहाँ पर ऊपर जो ये इसको क्या बोलते हैं, थुम्बी बोलते हैं क्या, वहाँ से पैर निकले हुए आप देख सकते हैं। जय हो गौ माता। इनको देखिए किस प्रकार से इनकी पूजा की हुई है, चुंदरी से ढका गया है इनके, देखिए दो पांव यहाँ पेट के ऊपर से आए हुए हैं, देखिए है ना, कमर के ऊपर से पाँव निकले हुए, और ये अद्भुत गौ माता है। तो इनका दर्शन लाभ हमें भी मिला, और आप भी इनके दर्शन कीजिए, जिनके पीठ के ऊपर से दो पांव निकले हुए हैं, यानी कि इनके टोटल अब 6 पांव हो गए है ना, 6 पैर वाली गाय है बाबूजी। अच्छा, ये मतलब कहीं से आई है या यहीं पे बड़ी हुई? अच्छा, ये आप कहाँ से लाए इनको? उड़ीसा से लाए। अच्छा, उड़ीसा से लाए जब ये छोटी थी? अच्छा अच्छा, ये कितने छोटे थे तब इनको लेके आए आप? कितने साल का था? 1 साल, 6 महीने।
ढाई साल का। तो ये दूध भी देती है गाय? नहीं दूध दूध अच्छा ये मांगने में लिया। अच्छा 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 हाँ, ये मतलब गोदान। हाँ गोदान के लिए, मतलब गोदान के लिए दर्शन करवाने ले जाते हैं इसके। अच्छा मांगते हैं। अच्छा अच्छा चढ़ावा चढ़ता है। हाँ अब जैसे इनकी ये गाड़ी बिल्कुल, ये अद्भुत अद्भुत गाय है, भगवान का एक तरह का रूप है ये। हाँ, मतलब ऊपर से देखिए दो पांव ऊपर से निकले हुए इनके, टोटल छह पांव है ना या और भी है? नहीं यही। अच्छा किसी के आँख में जीभ होती है। अच्छा दिखाते हैं, किसी के पैर होते हैं, किसी के तीन आँख वाले भी होती है। अच्छा तीन आँख वाले आपने देखी है? मैंने तो नहीं देखी कभी। अच्छा अच्छा तो इनको कौन लेके जाता है, आप खुद ही? नहीं। अच्छा इनकी ये गाड़ी खड़ी है, इनमें बिठा के इनको। अच्छा हाँ ये गाड़ियाँ इधर ये खड़ी है, आप देख सकते हैं दोस्तों इनके दो भी गाय है, बड़े बड़े सींग वाले। ये गाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये इन इस प्रकार से मांगते हैं और अपना पेट गुजारा करते हैं भगवान के नाम पर। ठीक है, इन गायों का भी सेवा हो जाती है। और बड़े बड़े सींग वाले ये देखिए, ये ठीक है भैया, अच्छा है, ताकि इस बहाने से चलो इनकी सेवा भी तो हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गायों को काटते हैं, बैलों को काटते हैं, उनसे तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, कम से कम ये अपना भी पेट पालते हैं और इनको भी पालते हैं। जय हो गो माता, हमारी भी रक्षा करना और हमारे साथ भी आशीर्वाद रखना आप। अच्छा वापस आम आदमी को लाओगे? तो दोस्तों YouTube के इतिहास में पहली बार ये है आप इस प्रकार की वीडियो और इस प्रकार की जिंदगी देखते हैं। कोई भी यूट्यूबर कोई भी ब्लॉगर इस प्रकार की कंटेंट को कवर नहीं करता है कि लोगों की समस्याएं कहीं ना कहीं उजागर करें। तो यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से लोगों की समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े आला अधिकारी बड़े बड़े नेताओं तक कहीं ना कहीं पहुंचे, तो मेरा यहां आना दोस्तों सफल हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बड़े बड़े लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और यात्रा गुरु जी का यहाँ पर आना यहाँ पर सफल हो जाए। बीजेपी नहीं कर सकती है काम। अच्छा अच्छा, तो मतलब जब से आम आदमी पार्टी की यहाँ पर केजरीवाल जी की सरकार रही तब तक मतलब काफी अच्छा हुआ, गरीबों के लिए ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है। ये झुग्गियों के अंदर उन्होंने सीवर लगवा दिए, सीवर करवा दिए, लोगों के लिए खाना पानी सब वो करवाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आप देखिए ये पत्थर लगाकर चलने को मजबूर है, छोटे बच्चे तो इनके अंदर गिर जाते होंगे नहीं? और बिल्कुल ही छोटे छोटे कमरे यहाँ पर देखिए, इतना छोटा कमरा बकरियों को रखने के लिए है बाड़ा, और एक छोटा सा घर ये इधर बना हुआ, बहुत छोटे छोटे घर हैं और छोटे छोटे घरों के अंदर काफी तीन तीन चार चार पांच पांच लोग रहते हैं। आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाऊं तो देखिए खाट लगा हुआ है इनकी, इनके सोने की व्यवस्था भी इसी में है, खाने की व्यवस्था भी इसी में है, सब कुछ इसी के अंदर व्यवस्था है। क्या नाम दादी जी आपका, आपका क्या नाम है? विनोज। आप कहाँ से हो, आपका गांव कौन सा है? पहले रहते थे, हमारी पैदावारी तो यहाँ ही है बेटा। अच्छा यहीं से, मतलब पीढ़ियों से यहीं रहते थे, झुग्गियों में? हाँ। झुग्गियों में पहले झुग्गियां थी यहाँ पर। हाँ। एक छोटा बाबू है इधर। पहले चलते फिरते रहते थे कहीं कहीं। अच्छा करते थे, अब एक जगह मिल गई। हाँ पहले तो मतलब ऐसे घुमंतू टाइप जाते थे, कहीं कहीं डेरा डालना कहीं डेरा डालना है ना। अच्छा अब ये इंदिरा गांधी मरे उसके पीछे से ही आए रहते हैं। अच्छा जब से आए तब से यहाँ सभी पैदावारी आई। अच्छा अच्छा से आए चल रहे हमारे, बहुत मुश्किल हालात है। पानी बनाते हैं ना तो आगे आ जाता पानी वहाँ तक। अच्छा ये पानी तो ये गंदा ये गंदा, बस्ती का ही है ना? हाँ बस्ती का ही। और बरसात के समय तो ये पूरा चला जाता होगा अंदर? पूरा चला जाता है। अच्छा 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 अच्छा, पीछे नाला भी रुका हुआ है। ये इधर खाना बन रहा है देखो, ये इधर भाई साहब जो है वो अंदर खाना बना रहे हैं, इसी गंदगी के अंदर खाना बना रहे हैं। जस्ट ये देखिए ये छोटू खड़ा है, मैं भी एक पत्थर पे ही खड़ा हूँ। इधर ये देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं, सपोर्ट लेने को तो आ रहे हैं। तो आपका वोट इधर दिल्ली में लग रहा है? अच्छा जब से दिल्ली में लग रहा है। अच्छा बहुत मुश्किल हालात है। हाँ
तो दोस्तों को देखा आपने इस प्रकार की विचित्र जिंदगियां भी कहीं ना कहीं हमारे देश के कोने कोने में बसी हुई है जो यहां पर किसी को नजर नहीं आती है। तो अपने चैनल के माध्यम से आपने देखा, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इन गरीबों के लिए। इस प्रकार के देखिए नाले के पास रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात के अंदर यहाँ पर रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि बड़े बड़े आला अधिकारी या जो बड़े बड़े नेता बड़े बड़े बंगलों के अंदर रहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और इन गरीबों की आवाज़ उन तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अभी तक आपने ज़्यादा इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार कंटेंट अपने दो यात्रा गुरु जी चैनल पर आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।